आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रूड, रिवॉल्व, लॉफ्ट और स्वीप ऑफ प्रेसफुल। इन सब का यूज हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आप एक्सट्रूड जानिए। एक्सट्रूड क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट देने के लिए का हम यूज करते हैं। जैसे आर ई सी रेक्टेंगल हमने लिया, ठीक है, आर ई सी एंटर, और मैंने ले लिया। अब एक्सट्रूड कमांड लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अब देखिए, आप हाइट दीजिए तो हाइट कितना दे रहा है ऐसे तो पता चल नहीं रहा है, तो आप क्या करिएगा, आइसोमेट्रिक व्यू में चले जाइएगा, ठीक है। आपको हाइट देना है, जैसे मान लीजिए आपको हाइट देना कितना, 20 आप दे दिए हाइट, ठीक। अब एक और चीज बताते हैं, जस्ट इसके बगल में आप एक और रेक्टेंगल बनाइए, ठीक है, और अगेन आप एक्सट्रूड करिए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए और एंटर करिए, और आप व्यू में आइए और इस बार डायरेक्शन देने के बाद 20 का एंटर करिए, ठीक। अब जब आप टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको ये दोनों बराबर ही दिखेगा, ठीक है। साइड में देखेंगे तो ये लगेगा कि ये इसके जस्ट पीछे है, अगर आप देखें तो है तो एक ही प्लेन पे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तब आपको समझ में आएगा जब आप ग्रिड ऑन करेंगे। ग्रिड F7 से ऑन रहेगा और अब आप इसके फ्रंट व्यू को देखिए। देखिए तो ये हमारा जो दिख रहा है, ये इसके ऊपर की चीज को हम प्लस कहते हैं, नीचे क्या होता है, माइनस होता है। तो या तो डाटा में आप माइनस लगा के करिए या तो आप डायरेक्शन दे करके करिए, क्लियर है। ये चीज इस तरीके से होगा, देखिए ग्रिड हमारा क्या है, देखिए ऐसे है ना, तो यहाँ से भी पता चल रहा है हमारा क्या, ये इसके नीचे बना है, ग्रिड लाइन के नीचे, ठीक। अब हम बात करते हैं रिवॉल्व की। रिवॉल्व के लिए आप लाइन एंटर करिए, कोई भी आप ले सकते हैं, लाइन बना लीजिए छोटा सा कोई भी, और आप आर्क भी ले सकते हैं, फिर ट्रिम कर दीजिए, टी आर डबल एंटर, ट्रिम कर दीजिए। अब देखिए इसको मैं कॉपी करूंगा, सी ओ एंटर। क्यों कॉपी कर रहा हूं, ताकि मैं बता सकूं कि रिवॉल्व कितने तरीकों से चला जा सकता है, ठीक है। मैंने तीन ऑब्जेक्ट तैयार कर लिए हैं। अब रिवॉल्व की बारे में, रिवॉल्व का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को 360 पे रोटेट कर देना। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 360 पे ही रोटेट करें, अगर आप चाहते हैं कि 45, 135, 180, तो जो भी आपके एंगल होंगे उस एंगल से भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डाटा डाल करके इसको रिवॉल्व कर सकते हैं। तो हमने रिवॉल्व लिया, इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, फिर एंटर किया। अब देखिए मैं एंगल दूंगा कि मुझे किस एंगल या किस एक्सिस पे, ठीक है ना, रोटेट करना है। अगर मुझे रोटेट इस वाले पे करना है तो मैं यहां से पकड़ूंगा और इसको एक दिया, और अब मैं इसको रोटेट करूंगा। देखिए या तो मैं रोटेट कर दूं, और या तो मैं, देखिए यहाँ पे आ रहा ना डाटा डालने के लिए क्रॉस हेयर के नीचे, ठीक है, तो डाटा मैं देता हूँ 360। ये देखिए ये 360 अपने आप को क्या कर लिया, बना लिया। आप नेविगेशन बार में आने के बाद ऐसे क्लिक कर लिया और देखिए ये 360 में क्या हो गया, बदल गया। फिर से मैं रिवॉल्व लेता हूं और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, और अब मैं एक्सिस दूंगा, मुझे इस एक्सिस पे रोटेशन चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये मैं रोटेट कर सकता हूँ ऐसे हाथों से भी, ये एंगल बताते जाएगा, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बताएगा कि कितना एंगल हो रहा है। तो इस बार मैं ले लेता हूँ 250 एंगल, एंटर कर दिया। देखिए 250 पे ये हमारा पूरा बन गया, वही ऑब्जेक्ट है लेकिन देखिए कितने तरीकों से बन रहा है, ठीक है। अब मैं फिर से रिवॉल्व लिया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और एंटर किया। अब मुझे जो है
यहां से अगर इधर जाना है, ये देखिए ऐसे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप ले सकते हैं, या तो लाइन का भी आप सहारा ले सकते हैं। यहां पे मैंने क्लिक कर दिया, अब इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, ये देखिए ऐसे दिख रहा है ना, ये पूरा आपको बता रहा है। ये रहा आपका 90, देखिए ये 90 के नियरेस्ट ये रहा 90, या तो डायरेक्ट आप डाल दीजिए या तो 90 करिए, ठीक है, अपने माउस के सहारे से आप इसको कर सकते हैं। अब आप जो है जैसे 180 हमको चाहिए, मैंने 180 कर दिया, ठीक है 180 पे। अब वही चीज है देखिए, लेकिन तीनों का अगर आप प्लेन दे दे देते हैं या एक्सिस प्लेन दे देते हैं तो इस तरीके से रिवॉल्व होता है। आप रोटेट करके देख लीजिए, नेविगेशन से आपको मिलेगा ये पूरा, देखिए। अब मैं टॉप प्लान में फिर से जाता हूँ, ग्रीन सिलेक्शन करके डिलीट कर दिया इन सबको। अब बात करते हैं लॉक्ड की। तो लॉक्ड क्या होता है कि किसी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट जो रहते हैं शेप एंड साइज को मिला करके उसका 3D स्ट्रक्चर तैयार कर देना। तो देखिए होता क्या है कि सबसे पहले मैंने लिया क्या, REC रेक्टेंगल लिया, और इस रेक्टेंगल को मैंने ऐसे बना दिया, मान लिया इतना कोई स्ट्रक्चर है यहाँ पे। आपको और भी मेथड मैं बता दूंगा आगे। अब आप इसके हाइट पे आइए, सी एंटर करिए, सी मतलब सर्कल, और यहाँ पे आप कहीं सर्कल आप दे दिए इस पॉइंट पे, ठीक, पैन बटन का यूज कर लीजिए, इसको जरा नीचे कर लीजिए, ठीक दे दीजिए सी एंटर, ये देखिए, ठीक है। अब लॉफ्ट का काम क्या होता है कि आप सेलेक्ट किए ऑब्जेक्ट को, फिर आप दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, देखिए बना दिया। अब आप तीसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, ये देखिए। अब आपको एंटर करना है, मतलब जितने सोर्स हैं आपके उस हिसाब से आप उसको एंटर कर दीजिए, ठीक है। और फिर ये जब बार आएगा तो गाइड है, पाथ है, इसका आगे मैं यूज आपको बता दूंगा, ठीक है। और लेकिन अभी आपने क्रॉस सेक्शन ओनली लेना है, ठीक है ना, एंटर कर दीजिए क्रॉस सेक्शन। अब आप इसको रोटेट करके देखिए, नेविगेशन से आपको देखिए ये रोटेट करके, ये देखिए ये प्लेन है, दिख रहा है ना, ऐसे आप जो है इसको बना सकते हैं। प्रेसफुल, देखिए प्रेसफुल का यूज बहुत जगहों पे किया जाता है, ये बाकियों से काफी रोटेट करने में और यूज करने में आसानी होता है। रोटेट का मतलब ये है कि जैसे आपके छोटे छोटे ब्लॉक हैं, जैसे REC है, आपने यहाँ पे REC लिया, फिर इसी से आपका अटैच ये भी है, ट्रिम चला दिया, तो प्रेसफुल क्या करता है कि एक तरीके का बाउंड्री बनाता है वो, ये देखिए। आपको प्रेसफुल में ऑब्जेक्ट कनेक्ट क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट का जो एरिया है सरफेस एरिया उसके अंदर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आप इसको हाइट दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको मैंने हाइट दिया 5 का, एंटर कर दिया, ठीक। अब प्रेसफुल में क्या है कि आप फिर से आए इसके अंदर क्लिक किए, अब आप इसको हाइट दे दीजिए कितने का, 7 का, तो सर्कल हमारा बड़ा है। एस्केप करिए और जरा सा व्यू को चेंज करके देखिए, ये देखिए। और ऐसे अभी अगर आप काम करते हैं तो आपको यूनियन, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट और भी चीजों का आपको यूज करना पड़ता है, बाकी के देखिए यहाँ पे भी बने पड़े हैं, इन सब चीजों का यूज करना पड़ता है। तो सबसे इजी हमारा क्या होता है, प्रेसफुल, प्रेसफुल यूज होता है। अब इस पे आ जाते हैं एक और स्वीप पे, तो इससे और स्वीप में बहुत कम ही फर्क है। स्वीप आपको डिजाइनिंग के लिए होता है कि किसी के ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरीके का डिजाइन या किस तरीके का पैटर्न बना है वहां पे आप स्वीप चलाते हैं। जैसे आप एक लाइन लीजिए और एक आप पॉली लाइन लीजिए, अब आप सर्कल लीजिए,
सर्कल का आप रेडियस ले सकते हैं 5 ले लीजिए। अगेन इस सर्कल को भी आप 5 रखिए। एक और सर्कल ले लेते हैं, इसको हम 4 रखते हैं। और इसको हम 3 रखते हैं। अब देखिए स्वीप के बारे में बता रहे हैं। स्वीप रहा फर्स्ट एंड सेकंड, दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया। अब हमको पाथ देना है, जैसे आप एरे चलाते थे मैंने आपको जो बताया था। अब आप क्या करेंगे, आप पाथ दीजिए, आपको कौन सा पाथ देना है, ये पाथ देना है, आप एंटर करिए। देखिए ये आपका स्वीप बन गया, ठीक। अब आप स्केप कर दीजिए तो देखेंगे क्या कि जो स्वैप बना हुआ है वो केवल लाइन के इस पॉइंट तक बना हुआ। देखिए हाईलाइट हो रहा ना। अब एक और काम करते हैं, मैं अगेन लेता हूं इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, मतलब दोनों सर्कल को सेलेक्ट किया, एंटर किया। अब इसको मैंने पाथ दिया। अब देखिए ये पूरे में बन गया। तो अंतर क्या है, अंतर यह है कि लाइन जो है अगर वो ब्रेक पॉइंट पे है, लाइन हमेशा ब्रेक पॉइंट में रहता है, एक लाइन दूसरे लाइन से कनेक्ट नहीं रहता है। तो इसका क्या है कि आपको हमेशा स्वीप चलाते वक्त किस लाइन का यूज करना चाहिए, पॉली लाइन का यूज करना चाहिए। और जो मैं बात कर रहा था प्रेसफुल का, क्यों इजी होता है ऑपरेट करने में, देखिए इजी इस वजह से होता है कि ये देखिए हमने दो सर्कल बनाया था ना, अब हमको इसके सर्कल के अंदर गैप करना है। तो होता क्या है कि सबट्रैक्ट पे आप क्लिक करिए, ठीक है, सब ट्रैक पे क्लिक करेंगे, आप बड़े वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए और फिर अंदर वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए और डिलीट करिए। डिलीट नहीं होगा यानी मतलब सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि आप 3D में हैं। देखेंगे एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं। जब आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं बड़े वाले को, एक ऑप्शन खुल करके आ रहा है 3D सॉलिड, दूसरे वाले के लिए है तो आप दूसरे पे जाएंगे और फिर एंटर करेंगे तो देखिए यही दिक्कतें होंगी। तो आपको क्या करना है कि कॉन्सेप्चुअल से हट करके आपको वायर फ्रेम में जाना है, सिंपल है। अब आप सब्ट्रैक्ट को चूज करिए, ठीक है, इसको आप क्लिक करिए, एंटर करिए, फिर आप इसको क्लिक करिए और एंटर कर दीजिए। अब ये माइनस हो चुका होगा, जब आप 3D में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आप अगेन सब्ट्रैक्ट करिए, SUB करेंगे, सब्ट्रैक्ट शॉर्टकट कमांड है। आप आउटर फेस को जो है सेलेक्ट करिए, एंटर करिए, एंड इनर फेस को एंटर करिए। अब आप 3D में जाइए, कॉन्सेप्चुअल 3D में, देखिए ये माइनस हो चुका है। आप इसको रोटेट करके दे सकते हैं, देखिए, ठीक है, ये देखिए दिख रहा ना, देखिए ऐसे दिखेगा, ये देखिए दिखा आपको, माइनस हो चुका है, सॉलिड में नहीं है, देखिए क्लियर है ना। तो इसीलिए हम लोग प्रेसफुल का ज्यादातर यूज करते हैं कि हमें बार बार ये प्रोसेस को ना करना पड़े, क्योंकि प्रेसफुल जो है आपको एक सीधा सीधा एक बाउंड्री चला देता है। जैसे ये था, एक और अगर मैं यहाँ पे लूँ REC लूँ, ठीक है, यहाँ पे REC लूँ तो देखिए कितना ये सिंपल है प्रेसफुल। ये अपने आप देखिए, इस बाहर नहीं टच करना है, इसके सरफेस एरिया के अंदर टच करिए, ठीक है, इसको बाउंड्री जो है, ठीक है। अब आप इसको हाइट दीजिए 2.5 कर दीजिए। अब आप इसको देखिए कितना सिंपल हो जा रहा है, देखिए